मंगलवार सुबह करीब 12:30 बजे कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला व निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल की उपस्थिति में कंट्रोल रूम पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के करीब 45 पशुपालक मौजूद रहे। हालांकि बैठक में उपस्थित पशुपालकों में शहर में आवार मवेशियों के लिए जिम्मेदार पशु माफिया नदारद रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने पशुपालकों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि नवंबर माह में उन्हें किसी भी हालत में उज्जैन शहर को आवारा पशु से मुक्त कराना है। इसके चलते 1 नवंबर से शहर में आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही आवारा मवेशी पालकों के घर व बाड़े भी तोड़े जाएंगे। धारा 144 के तहत आवारा पशुपालकों को जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में आए दिन आवारा मवेशी ट्रैफिक जाम व दुर्घटनाओं का सबब बने हुए हैं। इसके चलते यह कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसीलिए शहर के सभी पशुपालक 31 अक्टूबर तक किसी भी हाल में उनके पशुओं को या तो बेच दें अथवा शहर के बाहर शिफ्ट कर दें, अन्यथा कार्रवाई की गाज से शहर का कोई भी पशुपालक नहीं बच पाएगा। निगम के कर्मचारी बाड़ा तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जबकि पूर्व में उनके ऊपर कभी भी आवारा मवेशी संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार करीब 30 पशुपालकों ने शिकायत की थी। उनकी जमीन शहरी सीमा के बाहर है, बावजूद उन्हें बैठक में बुलाया गया है। आप सभी लोगों को पता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरा शहर जूझ रहा है, और मुझे लगता है कि शहर की जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं उनमें सर्वोपरि सबसे ऊपर आती है। और बहुत दिनों से डिमांड थी मीडिया की तरफ से भी, शहर के आमजनों की तरफ से भी, कि इस प्रकार की एक मुहिम चालू करी जाए। तो ये मुहिम हमारी 1 तारीख से चालू होगी। उसके पहले एक वार्निंग के तौर पर सारे पशु मालिकों को यहाँ पर बुलाया गया है, और उनको ये ताकीद किया गया है कि 31 तारीख तक अगर उनके पास में ऐसे कोई पशु हैं, ऐसे बाड़े हैं जो शहर की सड़कों पर घूमते रहते हैं, तो उनको बेचने की कार्रवाई वो कर दे, जिससे कि हमें कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर 31 तारीख तक उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 तारीख से हमारी जो मुहिम होगी उसमें धारा 144 जो हमने लगाई है उसमें धारा 188 की कार्रवाई भी करी जाएगी, और साथ में उनके जो अवैध बने हुए बाड़े और घर हैं उनको तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद किसी भी तरीके से हम लोग बख्शने के मूड में नहीं है। अगर किसी का भी पशु सड़क पर पाया जाता है, सभी पशुपालकों ने इसमें हामी भी भरी है। कुछ 1-2 पशुपालक ऐसे आए भी हैं जिन्होंने नोटिस के बाद में अपने पशु जो है वो बेच भी दिए हैं, और 1 तारीख तक अगर जितने लोग नहीं बेचेंगे उनके खिलाफ हम लोग जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो सारी की सारी करेंगे। इसके साथ साथ जो सुअर पालक हैं वो भी बहुत बड़ी समस्या है, और उनके खिलाफ तो और भी ज़्यादा आगे जाते हुए हम लोग रासुका की कार्रवाई भी करेंगे, और उसके लिए जो भी प्रकरण बनाना हो या उसके लिए जो दूसरी कार्रवाइयाँ करनी हो वो भी बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएंगी।